ब्रांड के मामले में अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको वो जरूर ये कहेगा कि आपको अगर ब्रांड लेना है तो आप साई गाइड एम्पोरियम में जाइए। ये ताजुब होगा कि मेरा यानी कि साई गाइड एम्पोरियम का सामान मेलबर्न तक के गया है। और एक बात और कहना चाहूँगा, मैं हेमंत साई गाइड एम्पोरियम के माध्यम से एक बात आपसे और बताना चाहूँगा कि लखनऊ के रकाबगंज क्षेत्र में मुझसे ज़्यादा टूर्नामेंट किसी ने नहीं लड़ाए होंगे। 14 साल की उम्र से पतंग का शौक मुझे लगा है और आज मेरी उम्र 43 साल की है। और ये पतंग का शौक ही नहीं, जुनून है मेरा। ये काम स्टार्ट करने की एक वजह यह थी बिंदी मामा। बिंदी मामा का टून आज से 10-15 साल पहले मिलता नहीं था सही से। अब बिंदी मामा से बात की तो बिंदी मामा का कुछ समझ में नहीं आया। हमने छोड़ो जाने दो। इस मामले में सबसे पहली मदद जो की थी गुड्डू भाई ने की थी, हमारे गुड्डू तिवारी जी ने, जो बनारस के बहुत ही उमदा व्यक्तित्व के मालिक है। तुरंत वहीं से फोन मिलाया और मामा से मेरा कॉन्टेक्ट करा दिया। हाँ सर, बिंदी मामा के टून की ओरिजिनल पहचान ये है, ये जो वन नंबर का साइन है आप देखेंगे तो बहुत ही जो है चमकता है रात में रेडियम की तरीके। ओके, फेसबुक पे आग लगी हुई है कि इतना महंगा पतंग और इतनी महंगी मंझा हो गया है। दादा, इसका छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। पिछले साल मैं बॉम्बे में था, दिसंबर में मैं यासिर भाई के साथ पतंग लड़ा रहा था पुलवा में। आप यकीन मानिएगा कि सामने वाली टीम बहुत अच्छी टीम थी, वो छोटा पेज काटती थी और वो 1100-1200 पे ले जाती थी। तो मेरी यासिर भाई से बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि यासिर भाई जो डोर दी है वो दे दीजिए। उस टाइम वो डोर 3000 रुपये बंडल की थी, शम्मी दादा की, मैंने उनको दीदी प्रोवाइड करवाई थी। तो कहने का, हाँ हेमंत भाई ये रखिए। यकीन मानिएगा वो लाइव का मेरे सबसे दूर पेज था, तो जब उन्होंने दूर किया तो पतंग ओझल सी हो रही थी। तो मैंने पहला पेज काटा, दूसरा पेज इत्तेफाक से जैसे ही सही हुआ उसने जाके जो है तुरंत जो है मेरे चेहरे पे रख दिया। कितनी दूरी पे थी ये? ये कम से कम वो होगी, खुला मैदान है तो 1300-1400 पे थी। 1300-1400 उन्होंने जैसे ही रख दिया, अब ना मैं कहीं जा सकता, मेरे बाहर के बल थे। और यकीन मानिएगा कि मुझे लगा कि मेरी पतंग कट जाएगी। लेकिन जो कहते हैं कि अच्छे मंझे समझे कहीं ना कहीं आपको बचा के ले जाते, तो उस अच्छे मंझे ने मुझे वहां पर बचाया। पतंग भी मेरी नहीं टूटी, उससे मैंने 6 काटे वहीं पे और वो पतंग जो है उतर के चली आई। कौन सा मंझा था? शम्मी रजा था। अब मैं आपको जो डोरे दिखा रहा हूँ ये सब इस टाइम की प्रेजेंट टाइम की अच्छे कारियों की नंबर वन डोरे हैं। दिखाइए सर। ये बशीर बेग साहब के साहबजादे नदीम की डोर है, बहुत अच्छी माशाल्लाह डोर बना रहे हैं, नंबर वन क्वालिटी की। देखिए आप लोग भी, और ये इनकी डोर है ट्रांसपेरेंट चरखी पे, बिल्कुल खुले बल की डोर है, बहुत ही प्यारी डोर है ब्राउन कलर की। और इनकी दो क्वालिटियाँ आती हैं, एक तो 7-स्टार आती है और एक नंबर वन, दोनों ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छी डोर है, बहुत ही तारीफ़ काबिल डोर है इनकी। दादा ये जो नेक्स्ट मंझा आपको दिखा रहे हैं ये टूर्नामेंट का बन के आया है शम्मी रजा का, और आप देखिए क्या शानदार मंजा है। देखिए चरखी भी बहुत ही माशाल्लाह, और जो डोर देखिएगा जैसे लग रहा तार है। कोई स्पेशल मंझे हो तो बताइए। हाँ ये है मेरा अपना ब्लॉग है, ये देखिए 9-स्टार है। अच्छा, साथ में इसमें मेरी फोटो भी रहती है। तो दोस्तों इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें हेमंत जी की फोटो है, उवैस खान 9-स्टार स्पेशल मैदानी मंझा आलम खान द्वारा, और ये बरेली का है। ये है अजीम का 7-स्टार। दिखाई कवर, दिखाई सर। अच्छा, अजीम खान 7-स्टार, आजम के भाई। एक बार दोबारा दिखाइए सर। ये दोस्तों अजीम खान 7-स्टार है, अब देखते हैं यला आजम के भाई का। इनसे अब इनके थ्रू हम लोग ने 2018 में टूर्नामेंट उठाया था। थैंक्स। तो ये आजम अजीम की डोर आपके यहाँ बन के सीधे आ रही है? जी, डायरेक्ट आती है, डायरेक्ट आती है। और जो नामी ग्रामी डोर बनाने वाले हैं समझे, वो कभी भी अपने साथ कंप्रोमाइज होने नहीं देते। उनकी डोरे अगर आप जो है किसी भरोसेमंद व्यक्ति से ले रहे हो
तो आपको ओरिजिनल मिलेंगे, वरना आपको जो है डुप्लीकेट की बाहर छाई हुई है आजकल मार्केट में, इन्फीरियर क्वालिटी का माल। दादा अभी तक के तो मंजो की बात हो रही थी, अब जो नंबर एक पे चीज आती है पतंग। अच्छा, अब मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ओके, ये मेरी फेवरेट पतंग है तपन माई की। ये हमारे दादा, आपने इनका इंटरव्यू भी लिया है, गंगा दादा बनारस के, बहुत ही प्यार से गिफ्ट की थी इन्होंने पतंगे मुझे। और ये पतंग आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, ये मेरे पास 25 साल से बाबूलाल जी की, अजीत जगजीत भाई की पतंग है। ये हमारे मेरठ के उस्ताद फोटो वाले असगर साहब। ये चीज देखिए, ये भी हमारे बड़े भाई है रोशन भाई, उस्तादों में गिनती होती है इनकी, बहुत खूबसूरत पतंग बनाते हैं गोरखपुर से। रजी भाई के नंबर वन के शागिर्द इमरान मेरठ, पतंग का कोई जवाब नहीं होता। इमरान मेरठ पतंग मेकर उस्ताद, इनकी उस्ताद क्या इनके बाद पतंगी बंद है अली नवाब साहब हमारे, ये उन्होंने बना के दी थी पतंग। जही नियाजी साहब बरेली के मारूफ है मशहूर, उनकी भी उस्तादों में गिनती होती है। ये भी पतंग मेरे पास आती है सुधीर भाई जी, बरेली के अश्वनी भाई है, ये उनकी पतंग है। ये शायद आपने भी नहीं देखा, बहुत ना के बराबर लोगों को पता है, उमर दराज दिल्ली। शायद मेरे ख्याल से पता नहीं ये अब है भी कि नहीं। आप जब ये मुझे पतंग गिफ्ट में मिली थी आज से 22 साल पहले, तब जो नॉर्मल पतंग होती थी वो 5 रुपए 6 रुपए की होती थी, तब इन्होंने पतंग दी थी उनसे, इन्होंने 25 रुपए एक पतंग के लिए, जब नॉर्मल पतंग बढ़िया से बढ़िया पतंग हद से हद 8 रुपए की होती थी, तब इसके 25 रुपए उन्होंने इससे लिए। ये दामोदर भाई, बहुत कम इनकी रंगीन पतंगे देखने को मिलेंगी, दामोदर भाई की मुरादाबाद से है, उस्ताद अली नवाब साहब के शागिर्द हैं ये भी, गुड्डू भाई, ये उनकी पतंग है लखनऊ। ये है दीप कुमार साहब, देखने वो बली हो हल्के फुल्के लगे, लेकिन पतंग उनकी बहुत वजनी होती है, जैसे सांप चलता है वैसे आसमान में इनकी पतंग चलती है। ये हमारे 56 भाई, उस्तादों में गिनती होती है, उनकी पतंग है कन्हैदा कोलकाता मोटा भाई। ये हमारा फेवरेट बबलू भाई, बहुत ही बढ़िया पतंग बनाते हैं ये, समझे, इनकी पतंग का कोई जवाब ही नहीं होता। बबलू लखनऊ से, समझे, बबलू भाई है, बहुत ही अजीज है, समझे, ये कम से कम 20 साल पुरानी होगी पतंग, कम से कम। अजय कुमार कानपुर मनोज की पतंग है, ये भी मेरी फेवरेट है, समझे, बहुत खूबसूरत डिजाइने जोड़ते हैं और बहुत अच्छी पतंग बनाते हैं। आसिफ भाई मेरठ की बहुत शानदार पतंग बनाते हैं। ये श्यामलाल जी की पतंग है, 5 साल हो गए उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ था, तब से वो पतंग नहीं बनाते, बहुत ही शानदार पतंग बनाते हैं। ये राजा भाई की पतंग है मुरादाबाद में, और देखने में आपको ये टोकिया ब्लैक लग रही होगी, लेकिन ये जो पेपर है ये बाहर से मंगवाया गया था, ये देखो आप, देखिए ये पतंग कैसे चेंज हो जाती है, क्रेश पे आ जाती है। सबसे पहले तो मैं मोटा भाई का शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि YouTube के माध्यम से जो है उन्होंने आज मुझे इंट्रोड्यूस किया, और दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहूँ, अगर आपको अच्छी चीज की रिक्वायरमेंट है और अच्छा माल चाहिए, तो आप साई काइट एम्पोरियम लखनऊ में 8090000309 मेरा मोबाइल नंबर है, से आप संपर्क कर सकते हैं। सर, साई काइट एम्पोरियम मिनिमम कितनी पतंगों का ऑर्डर लेता है, पैसे कैसे ट्रांसफर करता है, और कैसे भेज के कस्टमर को क्वालिटी देता है, क्या प्रोसेस है? साई काइट एम्पोरियम जो है मिनिमम 200 से 300 पतंगों का ऑर्डर लेता है, उसके बाद जब फंड UPI से ट्रांसफर हो जाता है अकाउंट में, तो उनका प्रोसेस चालू हो जाता है। और बबल रैपिंग में या थर्माकोल में पैक करके उनको DTDC से भेज देता हूँ, और जब कस्टमर के पास पहुँच जाता है सामान, तो एक बार फ़ोन करके सेटिस्फैक्शन के लिए उसके पूछता हूँ कि सामान सही से पहुँचा और कैसा लगा आपको।